हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को लैंग्वेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स बताएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स हम लोग निकालने सीखे थे। यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिया रहेगा, वो लैंग्वेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालने सीखेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये डिफॉल्ट की सैडल पॉइंट यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ये हम नहीं कर सकते कि अगर दो पॉइंट मिले हमको, तब हम कह सकते कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा एक पे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आएगा तो ये हम नहीं कह सकते कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट वो होंगे, ठीक है। चलिए मैं बताते हैं आपको, लैंग्वेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। वर्किंग रूल्स इसका क्या होता है कि एक फंक्शन आपको एफ एक्स वाई जेड विद गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है फंक्शन, और फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो इज एनी कंडीशन। एक कंडीशन का फंक्शन दिया हुआ है और एक आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और एक आपका कंडीशन, कोई कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन से हम समझेंगे, ये समझिए कि अभी कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑक्सिलरी फंक्शन होगा ये वर्किंग रूल, ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑक्सिलरी फंक्शन बनाएंगे कैपिटल एफ एक्स वाई जेड कोमा लेमडा, ठीक है, कोमा लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ फाइव एक्स वाई जेड, मतलब जो कंडीशन का इक्वेशन देगा उसको लेमडा टाइम मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन में प्लस लेमडा टाइम से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन जो गिवन फंक्शन दिया रहा है उसमें जोड़ेंगे, वो हम बनेगा ऑक्सिलरी फंक्शन बनेंगे। और जो लेमडा है वो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स कहलाएगा, ठीक है। लेमडा क्या है? लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे? पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। मतलब कि फाइंड डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व दिस इक्वेशन, आप क्या करेंगे, ए इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को, ठीक है, सॉल्व करेंगे ए इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फाइंड एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लेमडा, और ये तीनों को सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को लेमडा के टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे, लेमडा के टर्म्स में बनाएंगे बाय कंडीशन बाय फाइव एक्स वाई जेड। तीसरा पॉइंट कि जो कंडीशन मेरा दिया हुआ है फाइव एक्स वाई जेड, उसमें क्या करेंगे, उससे एक्स वाई जेड जो लेमडा के टर्म में आया वो वैल्यू जाके पुट करेंगे फाइव एक्स वाई जेड में, वहां से हम निकालेंगे लेमडा का वैल्यू, वहां से लेमडा का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, वो यूजिंग लेमडा का वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कि एक्स वाई जेड जो टर्म वो लेमडा का वैल्यू अब इसमें एक्स वाई जेड में पुट करके ये एक्सट्रीम या क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एफ एक्स वाई जेड का, ठीक है। उतना निकालने के बाद फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई जेड एट दिस पॉइंट, उस पर क्या करेंगे, एफ एक्स वाई जेड का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकाले क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट का वैल्यू जाके रख देंगे, तो ये मेरा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से शॉर्टकट बताने की कोशिश करते हैं, क्या करना है कि लैंग्वेज ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना, एक फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स वाई जेड और एक कंडीशन दिया रहेगा फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो एक ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना एफ एक्स वाई जेड कॉमा लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा फाइव एक्स वाई जेड, लेमडा क्या होगा, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स होगा। फिर डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड को लेमडा के टर्म्स से हमको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद बाय कंडीशन फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो दिया हो, वहां से हम लेमडा एक्स वाई जेड का वैल्यू लेमडा के टर्म्स में पुट करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेना। वो जो लेमडा वैल्यू आएगा वो अब एक्स वाई जेड में जाकर जो लेमडा के टर्म्स में कैलकुलेट किए थे उसमें जाके वो वैल्यू रख देंगे। फिर एक्स वाई वो क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होगा, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एफ एक्स वाई जेड का ए पॉइंट को पुट करके हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ए मेरे कंडीशन मोर देन दो फंक्शन दिया हो, फाइव एक्स वन एक्स वाई जेड इजक्वल टू जीरो और फाइव टू एक्स वाई जेड इजक्वल टू जीरो आर एनी कंडीशन, दो कंडीशन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड गिवन फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, लैग्रेंज ऑक्सिलरी फंक्शन बनाने के लिए एफ एक्स वाई जेड लेमडा वन कॉमा लेमडा टू, यहाँ पे दो लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स आ जाएंगे।
तो एफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा वन टाइम्स फाई वन एक्स वाई जेड प्लस लेमडा टू फाई टू एक्स वाई जेड, और सेम रिपीट वहाँ पे जो कैसे कर रहे थे दो नंबर से फिर स्टार्ट कर देंगे, फिर डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे। ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से समझ। तो इसका सैडल पॉइंट और एक पॉइंट जब आएगा ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड का एक आएगा तो हमने कह सकते कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, बस हमको कैलकुलेट करके छोड़ देना, ठीक है। चलिए दिखते, ठीक है, एग्जांपल से। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप इज टू हैव वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो ओपन है टॉप पे, मतलब कि ऐसे बॉक्स होते ना, तो ए आपका भरा हुआ है और ए जो है आपका ओपन है, ए टॉप व्यू आपका ओपन है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि लिस्ट मेटल कितना लगेगा उसको कंस्ट्रक्ट करने में, वॉल्यूम आपका 32 क्यूबिक फीट दिया हुआ है। तो मेरा क्या गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन आपका ये है जो निकालना है वो आपका गिवन फंक्शन होगा। तो आप क्या होगा, मानते कि एक्स वाई जो जेड जो क्यूब का साइड है, बॉक्स का साइड है, और एस जो है उसका सरफेस है। तो टॉप सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2xy प्लस yz प्लस zx, ये होता है ना। उसमें क्या करना है, एक टॉप व्यू ओपन है तो ए एक्स हो गया, ई वाई हो गया, जेड हो गया, तो एक्स वाई ऊपर से ओपन है तो एक क्या करेंगे एक्स वाई घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एस इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स होंगे, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ 32, मतलब फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस 32 इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है। आप क्या बनाएंगे उसको, लैग्रेंज एक्सिलरी फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा फाइव एक्स। तो एफ इक्वल टू कैपिटल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड माइनस 32, ऐसे बनेगा। आप क्या करना है, इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है एफ को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, पार्शली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, सॉरी। तो देन डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई और जेड क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, वाई तो वाई एक्स वाई तो क्या हो जाएगा वाई, एक्स का करेंगे तो वन, तो वाई इंटू वन वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे टू वाई जेड करेंगे तो कॉन्स्टेंट है 2yz तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ 2zx को करेंगे, 2zx को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z तो कांस्टेंट, x करेंगे तो 1 2z प्लस लैम्डा xyz तो xyz तो क्या हो जाएगा yz कांस्टेंट है, x करेंगे तो 1 तो लैम्डा yz, और 32 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है तो 0, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 2z प्लस y लैम्डा टाइम्स yz आ गया। उसको किससे इक्वेट करना है, जीरो से, डेल एफ बाय डेल एक्स को किससे इक्वेट करना है, जीरो से, ये इक्वेशन थर्ड माने, ठीक है, सब इक्वेशन मानते चल रहे। फिर डेल एफ बाय डेल वाई, मतलब कि वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट, मतलब एक्स और जेड क्या मानना है कांस्टेंट, यहां से एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां वाई का करेंगे तो एक्स कांस्टेंट एक्स आ जाएगा, फिर टू वाई जेड को करेंगे तो टू जेड क्या है कांस्टेंट है, तो टू जेड कांस्टेंट हो गया, वाई करेंगे तो वन, फिर इसी तरह ये क्या कांस्टेंट पूरा हो गया तो जीरो, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि एक्स जेड कॉन्स्टेंट है, एक्स जेड बाहर, वाई का करेंगे तो वन, तो लेमडा एक्स जेड हो गया, और 32 का करेंगे तो क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 32, ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या होगा जीरो, तो क्या आ गया एक्स प्लस टू जेड प्लस लेमडा एक्स जेड इजक्वल डेल एफ वाई डेल वाई आया। उसको किससे इक्वेट करना है, जीरो से, ये इक्वेशन फोर माने, ठीक है। आप क्या करते हैं, डेल एफ बाय डेल जेड निकालना है, डेल एफ बाय डेल जेड निकालना है तो क्या करना है, y x और y कांस्टेंट हो गए, x y क्या हो गया जीरो, कांस्टेंट का करेंगे तो y z 2y, तो 2y कांस्टेंट, z का करेंगे तो 1, तो 2y प्लस 2zx है तो 2x कॉमन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और z का करेंगे तो 1, तो प्लस 2x प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो लेमडा एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और जेड का करेंगे तो वन, और माइनस 32 का करेंगे तो जीरो, तो ये जीरो, तो क्या जाएगा 2y प्लस 2x प्लस लेमडा एक्स वाई डेल एफ बाय डेल जेड, इसको किससे इक्वेट करना है, जीरो से, इक्वेशन फाइव माने, ठीक है। आप क्या करना है,
यहाँ पे एक्स वाई जेड अलग अलग करके अगर कर सकते तो ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप देखेंगे कि सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर दें। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री आपको किसी तरह एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। चार इक्वेशन चार वेरिएबल है, देखो एक्स वाई जेड एंड लेमडा ये वेरिएबल है ना, तो चार इक्वेशन एक कंडीशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दो इक्वेशन तीन इक्वेशन चार इक्वेशन, चार इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई जेड और लेमडा का वैल्यू किसी तरह निकालना है। मतलब कि एक्स वाई जेड एक क्रिटिकल पॉइंट होंगे आपका, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फोर को वाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। हम लोग क्या पाएंगे देखो, ठीक है एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक्स वाई, और यहाँ पे देखो वाई से कर रहे तो एक वाई एक्स, तो क्या होगा घट जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो टू टू एक्स जेड, यहाँ पे टू वाई जेड, तो क्या होगा टू जेड एक्स माइनस टू जेड वाई। यहाँ पे देखो लेमडा एक्स वाई जेड माइनस लेमडा एक्स वाई जेड, क्या हुआ कैंसल, तो ये क्या गया टू जेड एक्स माइनस टू जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड कॉमन टू जेड कॉमन आ गया और एक्स एक्स इक्वल टू वाई आएगा। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो टू जेड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक हो सकता है जेड इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वाई, तो जेड इज इक्वल टू जीरो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि जैसे इक्वेशन टू पे पुट करोगे तो जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई आपको नहीं कर रहा, इसलिए जेड इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है तो x इक्वल टू वाई यहाँ पे एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिया, ये आपका नहीं होगा ये होगा। ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर को y से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइव को z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा। ठीक है तो यहां से हम करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई टू वाई जेड और ये हो जाएगा लेमडा एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा टू वाई जेड, ये टू एक्स वाई और ये आपका हो जाएगा 2xz हो जाएगा और ये हो जाएगा लेमडा एक्स वाई जेड। जैसे घटाएंगे आपका a आपका क्या 2yz कैंसल और लेमडा एक्स वाई जेड कैंसल, आपका बच गया एक्स वाई माइनस 2xz। आप करके देखिएगा कॉपी में यही आएगा, ठीक है कैलकुलेशन, तो एक्स वाई माइनस 2xz इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो। और क्या हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं x को कॉमन ले लेंगे और y माइनस 2z इज इक्वल टू जीरो, ये होगा। तो एक हो जाएगा x इक्वल टू जीरो और एक दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू टू जेड। x इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ए वाला मेरा होगा। क्यों x इक्वल टू जीरो नहीं होगा, जब इक्वेशन टू में हम पुट करेंगे इस वैल्यू को x इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए नहीं होगा, x इक्वल टू जीरो नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है तो y इक्वल टू क्या गया टू जेड। अब ए एक्स इक्वल टू वाई और जेड इक्वल टू वाई बाय टू, ये इक्वेशन हम लोग सब वैल्यू कहाँ रखेंगे टू पे रखेंगे, कहां पे रखेंगे टू पे, तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई का पावर y बाई टू इज इक्वल टू 32, टू को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू 32 क्या हो जाएगा 64 और 4 का एक क्यूब होगा तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 आएगा, y इक्वल टू क्या आ गया 4। तो x इज इक्वल टू यहां से हम लोग क्या पाए x इक्वल टू y इज इक्वल टू 2z, ये आ रहा है ना x इक्वल टू y इक्वल टू 2z इज इक्वल टू क्या गया 4। तो मतलब कि s मिनिमम कब होगा, s मिनिमम क्या होगा, फाइंड द डायमेंशन निकालना बोल रहा कि मिनिमम, तो s इज मिनिमम, s जब मिनिमम होगा x इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 फीट और z क्या हो जाएगा 2 फीट हो जाएंगे। तो ये मेरा जो सरफेस जो हमको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो सबसे कम होगा, कम लगेगा। ठीक है रिक्वायर्ड मटेरियल, तो मटेरियल की सरफेस एरिया निकालते ना, समझ में आ गया एक क्वेश्चन समझने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग समझने की करते हैं कोशिश नेक्स्ट एग्जांपल से, यही लैंग्रेजेज, ठीक है लैंग्रेजेज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो देखो क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 12 फ्रॉम द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बोलता है कि एक पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालो, कहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से। मतलब कंडीशन हमको दिया क्या दिया हुआ, फाइव एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और एफ एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इसका डिस्टेंस जो होगा, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे एफ है पी क्यू स्क्वायर
मतलब कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड फोर का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। लेकिन कैलकुलेशन करने में जब डिफरेंस सेट करोगे तो हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे पी क्यू स्क्वायर के फॉर्म रहेगा और लास्ट में हम इसको अंडर रूट ले लेंगे जहाँ सॉल्व करने की आएगा वहाँ पे, ठीक है। लास्ट में हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो लेट पी एक्स वाई जेड मान लेते कि कोई पॉइंट है ऑन द स्पेयर पर और क्यू जो है थ्री फोर ट्वेल्व दिया हुआ है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस जो डिस्टेंस फॉर्मूला है यूज कर लिए इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, इसको इक्वेशन वन मान लिए। फाइव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। अब लैग्रेंज एक्सिलरी फंक्शन बनाते हैं एफ एक्स वाई जेड और लेमडा, लेमडा क्या है लैग्रेंज मल्टीप्लायर से, ठीक है। इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस फाइव लेमडा टाइम्स ऑफ फाइव एक्स वाई जेड, तो एफ एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ फाइव एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर इज माइनस फोर दिया हुआ है, ठीक है। देन डेल एफ बाय डेल एक्स आप क्या निकालना है इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स और इक्वेट कर देना है जीरो से, डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये देखो ए वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स माइनस थ्री होगा प्लस इधर तो सब जीरो हो जाएगा फिर इसका करेंगे तो टू एक्स इंटू लेमडा तो टू लेमडा एक्स इज इक्वल टू किससे इक्वेट कर देना है जीरो से। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई निकालना है तो ये जीरो हो जाएगा एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगी वाई से करेंगे तो वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू इंटू वाई माइनस फोर प्लस इसका करेंगे तो टू वाई लेमडा होगा, ठीक है। तो टू लेमडा वाई प्लस टू लेमडा वाई तो मतलब टू वाई माइनस फोर प्लस टू लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फोर मान लेते हैं। फिर डेल एफ बाई डेल जेड निकालेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट ये दोनों जीरो फिर इसका करेंगे तो टू जेड माइनस ट्वेल्व इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टू इंटू जेड माइनस ट्वेल्व आएगा प्लस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएंगे जेड स्क्वायर करेंगे तो टू जेड इंटू लेमडा मतलब टू लेमडा जेड मीन्स की टू इंटू जेड माइनस ट्वेल्व प्लस टू लेमडा जेड इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन क्या मानेंगे फाइव। फ्रॉम इक्वेशन थ्री फोर एंड फाइव वी गेट आप बोले थे ना कि लेमडा को एक्स वाई जेड के टर्म में निकाल लेना, एक्स वाई जेड लेमडा के टर्म में निकाल लेना सॉरी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे ये इक्वेशन दे थर्ड से टू एक्स माइनस सिक्स प्लस टू लेमडा एक्स टू कॉमन तो लेमडा प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए टू इधर तो थ्री बाय लेमडा प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया थ्री लेमडा प्लस वन आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह इक्वेशन फोर से टू वाई माइनस एट प्लस टू लेमडा वाई टू कॉमन लेमडा प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एट, अब यहां से क्या हो जाएगा फोर टू इधर चला जाएगा तो फोर फोर बाय लेमडा प्लस वन वाई इज्वल टू क्या आ गया वाई इज्वल टू फोर बाय लेमडा प्लस वन, आप क्या निकालना है फिर इसी तरह टू लेमडा इसी तरह सिमिलरली इसका निकालेंगे तो क्या जाएगा टू लेमडा प्लस वन जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो जेड इज्वल टू क्या आ गया ट्वेल्व बाय लेमडा प्लस वन। आप सब ये एक्स वाई जेड जो लेमडा के टर्म में निकाले हैं ये हम लोग इक्वेशन टू में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो वाला इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स का क्या आया था थ्री बाय लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी तो वाई इज इक्वल टू क्या है फोर बाय लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर तो जेड इज क्या है ट्वेल्व बाय लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो जाएंगे, ठीक है ए होगा। आप क्या करेंगे ये देखो इसको लेमडा प्लस वन का तीनों कॉमन है कॉमन निकाल के ए वन बाय लेमडा प्लस वन का कॉमन आ जाएगा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा फोर इंटू लेमडा प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा होगा ना। आज इधर क्या है थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका एड करेंगे तो वन सिक्सटी नाइन हो जाएगा मतलब कि फोर लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर इजक्वल टू वन सिक्सटी नाइन तो यहां से आ जाएगा लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर इजक्वल टू वन बाय सिक्सटी नाइन बाय फोर इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो डिवीजन में ये हो जाएगा। तो लेमडा प्लस वन जैसे अंडर रूट उसमें डालेंगे तो 169 का 13 होता है और 4 का 2 होता है तो लेमडा प्लस वन का क्या हो जाएगा प्लस माइनस वन 13 बाय टू। जब एक बार लेमडा प्लस वन इसको टू माइनस 13 बाय टू लेंगे तो लेमडा का वैल्यू आपका माइनस 15 बाय
टू आएगा। अब जब लेमडा प्लस वन का वैल्यू 13/2 लेंगे तो लेमडा का वैल्यू आएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू 11/2, माइनस वन में जाएगा 13 - 2/2 तो 11/2 ऐसे आ जाएगा। एक बार लेमडा -15/2 आया, एक बार लेमडा 11/2 आया। जब लेमडा का वैल्यू 11/2 लेंगे, जब लेमडा का वैल्यू 11/2 लेंगे और पुट करेंगे एक्स वाई जेड इसमें तो 11/2 लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 13/2 हो जाएगा तो मतलब 6/13 हो जाएगा और वाई हो जाएगा आपका 8/13 ऊपर चला गया तो 8/13 फिर ये जेड का तो क्या लगेगा 12/13/2 हो जाएगा 11/2 तो ये जोड़े होते 13/2 मतलब 24/13 हो जाएगा। उसी तरह जब लेमडा का वैल्यू -15/2 लेंगे तो आपका हो जाएगा -6/13 फिर हो जाएगा -8/13 फिर हो जाएगा -24/13। जैसे देखिए यहाँ पे आपका लिए है पुट करके देख लेना x इज इक्वल टू क्या है 3/λ+1, y इज इक्वल टू आपका क्या है 4/λ+1 और z इज इक्वल टू क्या है 12/λ+1। इसमें एक बार 11/2 जब रखेंगे तो a आ जाएगा और जब लेमडा इज इक्वल टू -15/2 रखेंगे तो आपका a आएगा 15/2 तो a आपका आएगा ठीक है -6 में आएगा ये वही। तो हम लोग यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट मिला p1 इज इक्वल टू 6/13, 8/13, 24/13 और p2 मान लेते हैं -6/13, -8/13, -24/13। आप क्या करते हैं fp1 पॉइंट P1 पे FP1 निकालते हैं तो क्या था x-3 का होल स्क्वायर + y-4 का होल स्क्वायर + z-12 का होल स्क्वायर ये था ना। तो एक्स वाई पी वन का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो 6/13 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +8/13 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा +24/13 - 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 - 39, 39 - 6 गया तो 13 - 13 - 13 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा 13 - 2 = 4 = 52 और इसको 8 घटाएंगे तो 44 - 14 - 44/13 का होल स्क्वायर प्लस -1/32 - 132/13 का होल स्क्वायर इसको कीजिएगा सॉल्व तो ये आएगा करके देखिएगा -132/13 का होल स्क्वायर। आप क्या कीजिएगा इसको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा करके देखिएगा गेट कैलकुलेटर आपके पास होगा जैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने के बाद FP1 आपका आएगा 121 तो AP1 हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम A टू पॉइंट P1 इज इक्वल टू अंडर रूट होगा ना क्योंकि FP1 हम लोग लिए थे AP लिए थे FX को देखे होंगे तो XYZ को ठीक है तो यहाँ पे अंडर रूट करना होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में रखे थे अंडर रूट नहीं लिए थे लास्ट में बोले थे लेंगे तो अंडर रूट P1 हो जाएगा तो यहाँ पे अंडर रूट 121 क्या गया 11। उसी तरह सिमिलरली FP2 पे निकालेंगे FP2 मतलब x-3 का होल स्क्वायर + y-4 का होल स्क्वायर + z-12 का होल स्क्वायर वहाँ पे XYZ P2 का वैल्यू रखेंगे -6/13 - 8/13 - 24/13 तो -6/13 - 3 का होल स्क्वायर + -8/13 - 4 का होल स्क्वायर + -24/13 - 12 का होल स्क्वायर प्लस आप इसको इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा -45/13 का होल स्क्वायर + -62/13 का होल स्क्वायर + -180/13 का होल स्क्वायर। जब उसको आप गेट कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 225। आप करके देख लेना। उसके बाद AP2 डिस्टेंस फ्रॉम A to P2 क्या हो जाएगा √FP2 ये स्क्वायर में ना अंडर रूट लेना पड़ेगा ना तो अंडर रूट लेंगे तो √FP2 तो √225 का क्या आ जाएगा 15 आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या आ गया AP1 11 यूनिट और मैक्सिमम डिस्टेंस आपका क्या आ गया AP2 15 यूनिट। यही आपको निकालने के लिए बोला गया था और इसी तरह को हम यूज करके मैक्सिमा एंड मिनिमा और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लैंग्वेज मैटर से अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर से यूज करके हम लोग ये मैक्सिमा मिनिमा निकालने में यूज करते हैं। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो और व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से पूछ सकते हैं ठीक है। थैंक यू।